सुपरटेक और लॉजिक्स के बाद अब एटीएस ग्रुप के भी दिवालिया होने की बात आ रही है सामने। आपको बता दें एटीएस ग्रुप की एक कंपनी जिसका नाम है आनंद डिवाइन, आपको बता दें आनंद डिवाइन का एक प्रोजेक्ट चल रहा था गुड़गांव सेक्टर 104 में, उस प्रोजेक्ट का नाम था ट्रायम्फ। इन्होंने 25 करोड़ रुपए ले रखे थे आईसीआईसी वेंचर से। अब आपको बता दें आईसीआईसी जो बैंक होती है उसकी एक संस्था है वेंचर, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को बड़ा बड़ा लोन देती है, और इन्होंने इनको लोन दिया था 25 करोड़ रुपए का। अब ये समय पर लोन नहीं चुका पाई तो आईसीआईसी वेंचर कंपनी गई थी एनसीएलटी के पास। अब एनसीएलटी क्या है वो आपको बता दें एनसीएलटी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जब बात सामने आई तो वो 25 करोड़ रुपए नहीं दे पाए और कंपनी ये दिवालिया हो चुकी है। अब आपके मन में ये जरूर सवाल होगा क्या एटीएस ग्रुप पूरा दिवालिया हो चुका है? जी नहीं, एटीएस ग्रुप की जो एक कंपनी है आनंद डिवाइन वो दिवालिया हो चुकी है। अब साथ ही साथ आपको एक खबर और बता दें, गुड़गांव में एक और प्रोजेक्ट चल रहा है एटीएस ग्रुप का सेक्टर 109 में। अब इन्होंने भी किसी कंपनी से लोन लिया था और वो भी लोन नहीं दे पाई, पर ये जो जिनसे इन्होंने लोन लिया था उस कंपनी का नाम है एलएनटी फाइनेंस, और इन्होंने 2 फरवरी को इनको नोटिस जारी किया था एटीएस ग्रुप को, पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मौजूद है कि क्या इन्होंने रिफंड पैसा किया है कि नहीं। पर ये लोग कोर्ट के पास नहीं गए, ये बाहरी सेटलमेंट की बात हो रही थी और अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है कि एटीएस ग्रुप ने अभी तक पैसा दिया है कि नहीं। सवाल ये उठता है कि लगातार जो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बड़े बड़े ग्रुप से, आखिर ये जो दिवालिया हो रही है आखिर नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आम इंसान का हो रहा है क्योंकि इन्होंने फ्लैट देने का वादा किया होगा और दिवालिया होने के बाद से समय पर फ्लैट नहीं मिल पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा देरी होगी, तो जिन लोगों ने बजट के हिसाब से अपना फ्लैट बुक करा होगा उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो सोचने वाली बात है कि अगर एटीएस पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा सोच और समझ के लगाइए और थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लीजिए तब कहीं आप पैसा लगाइए। आपको क्या लगता है कि एटीएस ग्रुप क्या और जगह भी दिवालिया हो सकती है? हमें अपनी राय जरूर भेजिए और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।